अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब सैयद अफजल, बात करूंगा PSL सीज़न 8 के हवाले से। अभी उसके लिए ड्राफ्टिंग जारी है, बहुत सारे प्लेयर को पिक किया जा रहा है, कुछ प्लेयर पिक नहीं हुए। सबसे जो बड़ी खबर, शायद फरीदी अभी तक पिक नहीं हुए, और भी प्लेयर हैं इसमें। तो टेप बॉल के एक ज़बरदस्त खिलाड़ी जो कि पिक ऑलरेडी हुए थे पहले भी, लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका नाम है दिलबर हसैन लाडी, जो कि इंजरी की वजह से कुछ दूर थे क्रिकेट से, और अब उनको दोबारा पिक किया है लाहौर ने, और वो लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा बन गए हैं। इससे पहले जो लाहौर कलंदर वाले कैंप लगाते हैं उसका ये हिस्सा थे, लाहौर टीम के साथ थे। तो अब ये PSL में इनको दोबारा लाहौर ने पिक किया है, तो हम उनके लिए नेक मौका इजहार करते हैं। और बड़ी खबर जो आपके लिए लेकर आए हूँ, टेप बॉल के स्पीड स्टार मारूफ खिलाड़ी हैं, T10 लीग दुबई में खेल चुके हैं, लाहौर कलंदर के कैंप का भी हिस्सा रहे हैं। तो लाहौर कलंदर ने इनको कैंप लगाते हैं वहाँ पर सेलेक्ट किया था स्पीड के लिहाज से। तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ कि कर्नल जाहिद, जिनका तलक जो लाहौर से है, वो जनाब सेलेक्ट हो चुके हैं फर्स्ट टाइम। और मज़े की बात यह कि उनको लाहौर कलंदर ने सेलेक्ट नहीं किया, उनको क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सेलेक्ट किया है, पिक किया है। कर्नल जाहिद फ्राम लाहौर, उनके लिए बेस्ट विशेज हैं, नेक मनाओ का इजहार करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि टेप बॉल खेलने वाले जो लोग हैं उनके लिए हौसला होगा, वो मेहनत करें यहाँ तक आ सकते हैं। मज़ीद मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेप बॉल जो है बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट है, लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप PSL खेलते हैं, आगे पाकिस्तान टीम में जा सकते हैं, तो ये यकीन एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो हम इन शॉर्ट ये है कि कर्नल जाहिद, उनके लिए नेक मौना का इजहार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।